तरीके का वैक्सीन है, आप वैक्सीन जरूर लगाएं, वैक्सीन मिस ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन ली है उनको जो है गंभीरता बीमारी की या सिवियरिटी बीमारी की कम हुई है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीनेट करें, ना सिर्फ इंजेक्शन से बट मास्क वाला वैक्सीन भी हम लें। जी डॉक्टर नवीन दत्ता आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने काफ़ी विस्तार से समझाया कि किस तरीके से मास्क ठीक ढंग से पहनना और उसका हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और मास्क को लेकर ही हमारा पहला सवाल है, रीमा पूछ रही हैं दिल्ली से कि N95 मास्क को भी धोना ज़रूरी है क्या? देखिए N90 दो बातें। पहली बात, N95 मास्क घर में सभी के पहनने के लिए नहीं बने हैं, है ना? तो बिकॉज उसका कोई आपको आपके लिए फायदा नहीं है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग घर में कपड़े के मास्क या जी और दूसरा जो N95 मास्क है ये सारे रीयूजेबल नहीं होते हैं, आपको यूज एंड थ्रो होते हैं, आपको एक बार यूज करके उसको फेंकना होता है। जी और इस पेंडेमिक से पहले तो इसको सिर्फ एक ही बार सिंगल यूज के लिए आपने पहना और अगर उतार दिया तो आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन इस पेंडेमिक के शुरू में थोड़ी मास्क की काफी कमी हो गई थी, तो कुछ रिसर्च आई कि आप इसको दो तीन बार पहन सकते हैं अलग अलग टाइम पे, है जी ना? लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सिर्फ हेल्थ वर्कर के लिए, सभी के पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, ये यूज एंड थ्रो है, आप इसको धो नहीं सकते हैं। जी डॉक्टर रति सिंह आपके पास आना चाहेंगे। कोविड महामारी अपने साथ कई तरह की अलग और नई चुनौतियां लेकर आया, और उसमें एक बड़ी चुनौती है कि जो कचरा निकल रहा है, अगर हम मास्क के कचरे की बात करें, जैसा कि डॉक्टर नवीन ने भी बताया कि अगर आप N95 मास्क लगा रहे हैं तो फिर आपको उसको दोबारा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो किस तरीके की एक नई व्यवस्था हमें इस कचरे के निपटारे के लिए करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कचरा भी खतरा आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं। इस बिल को सर्वसम्मत पारित करने का कष्ट करते प्रश्न ये कि विधेयक पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हा गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हा वालों के पक्ष हुआ, हा वालों के पक्ष हुआ। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, अर्थसभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में, हां वालों के पक्ष में। खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। अध्यक्ष जी, मैं संशोधन का प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में हां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष में, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में हां गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष हुआ, खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष हुआ, अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी, अब प्रस्ताव के लिए विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं यथा संशोधित विधेयक पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हो, यथा संशोधित विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्य महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो रही है, आप चर्चा करें, संवाद करें, कानून बनते समय आपको पर्याप्त विधेयक पर बोलने का पर्याप्त समय और पर्याप्त मौका दूंगा। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक पर वोटिंग हुई और ये बिल लोकसभा से पारित हो गया है।
और फिर से रुक करते हैं डॉक्टर स्पीक का। डॉक्टर रत्ती, आपसे हम सवाल पूछना चाह रहे थे, वो कचरा जो कोविड 19 के बाद दुनिया भर में बढ़ा है और हम भारत की बात करते हैं, भारत में भी एक कचरा बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, मास्क का कचरा हो या दूसरा कोविड 19 से जुड़ा कचरा हो, ये भी एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है इस महामारी के संक्रमण को बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जैसे आपने पूछा कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि हमें ये सारे जो वेस्ट है, चाहे वो मास्क हो, फेस शील्ड हो, गाउन हो, सर्जिकल गाउन है, तो ये कहीं ना कहीं इससे संक्रमण का भी खतरा रहता है। तो हमें इसे प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, जैसे डॉक्टर मंजरी ने बताया कि हम इसे पहले तो हम वेस्ट कम जनरेट करें, ठीक है, जब हमें जरूरत है। जैसे हम, जैसे सर ने भी बताया कि N95 सबके लिए नहीं है, वी कैन यूज क्लॉथ मास्क, क्लॉथ में कपड़े के बने हुए जो मास्क होते हैं, अगर आप जा रहे हैं तो बाहर जाने के लिए, जनरल पॉपुलेशन वो भी यूज करती है, जिससे कि हम उसको इजीली क्लॉथ मास्क को वॉश कर सकते हैं सेपरेट, अलग तरह से उसको सन धुल करके रीयूज कर सकते हैं। N95 मास्क हर किसी को लगाने के लिए जरूरत नहीं है, जैसे आप देखेंगे बाजारों में हर किसी ने N95 मास्क लगाया होता है और उसे वो डेली चेंज कर रहे हैं। तो जैसे वेस्ट कम जनरेट हो, जैसे डॉक्टर मंजरी ने कहा, हम उसको लेबल कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड द फर्स्ट मास्क जो हमने यूज किया था, देन वो हम नेक्स्ट वीक भी रिपीट कर सकते हैं। दिस इज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, ये हमें वेस्ट जनरेट